नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश के कई सारे हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति है जो गंभीर हो चली है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में स्थिति चिंताजनक है। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे देश के कोने कोने का हाल। आपको बताते हैं कि कैसे कुदरती संकट का जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। पहाड़ों पर मानसूनी आफत टूटी है तो मैदानी इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। एक ऐसी तस्वीर सामने आई राजस्थान के झालावाड़ से। वहां भवानी मंडी कस्बे में एक निर्माणाधीन मकान धराशाही हो गया। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ये इमारत जमींदोज हो गई। हादसे की पूरी तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। देखिए कैसे पलक झपकते ही पूरी निर्माणाधीन इमारत मलबे में तब्दील हो गई। चंद सेकंड में ही निर्माण पूरा होने से पहले ही ये आशियाना तबाह हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। पूरा घर गिर चुका है। अब मध्य प्रदेश का हाल भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में मानसून का संकट टूटा है। वहाँ कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर हालात गंभीर हो चले हैं और अभी राहत की फिलहाल उम्मीद नजर नहीं आती। एक ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के श्योपुर की है। वहाँ की गंभीर हालात की एक तस्वीर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 3 अगस्त का है। लगातार बारिश के बाद वहाँ रिहायशी इलाके में सैलाब मानो तबाही मचाने के लिए दौड़ पड़ा। तस्वीरें देखिए, हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सीप नदी में उफान आया तो श्योपुर के बेसपड़ा मोहल्ले में सब कुछ उपंती लहरों में डूबने लगा। लोग जान बचाकर घर की छतों पर भागने लगे। फिर आपसी सहयोग से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बांस की बल्लियों के सहारे जिंदगी बचाने की कोशिश चलती रही। इसी दौरान एक बच्ची तबाही देख कर रो पड़ी। ये तस्वीरें भले ही कुछ दिन पुरानी हो लेकिन श्योपुर में आफत अभी भी पूरी तरह से टली नहीं है। मध्य प्रदेश में हालात कितने गंभीर हैं उसकी गवाही विदिशा से आई ये तस्वीरें भी दे रही हैं। वहाँ शमशाबाद इलाके में लगातार बारिश के बाद कई गांव डूब चुके हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात हैं। सोमवार को इलाके में तो हालात इतने बदतर हो गए कि बड़ी संख्या में ग्रामीण बाढ़ के पानी में ही फंस गए। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला। लाइफ सेविंग बोट से बचाव का काम शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद 36 लोगों की जान बचाई जा सकी। ये हालात उस वक्त गंभीर हो गए जब संजय सागर डैम से 7 और सागर डैम से 3 गेट खोल दिए गए। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में भी हालात चिंताजनक है। वहां लगातार आफत की बारिश हो रही है। इसकी वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वहां कई दिनों से रिकॉर्ड बारिश हो रही है। पुल के ऊपर से सैलाब गुजरने लगा है। रिहायशी इलाकों में जिंदगी का संकट है। कहीं पानी में बाइक बहती नजर आई तो कहीं आम जिंदगी मुश्किल में फंसती नजर आई। कई लोग खतरे के बीच उफनती लहरों के बीच पुल से जान पर खेल कर गुजरते नजर आए। एक ऐसे ही पुल पर सैलाब के बीच जिंदगी फंस गई। इसकी जानकारी मिली तो फौरन प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। उन्हें बचाने में प्रशासन असहाय नजर आया क्योंकि उनके पास राहत का सामान मौजूद ही नहीं था। इसे देखते हुए एसडीआरएफ को बचाव के लिए बुलाया गया। पुलिस और वायुसेना से भी मदद मांगी गई लेकिन खराब मौसम की वजह से एयरफोर्स ने बेबसी जताई। फिर प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम से मदद मांगी। झालावाड़ में हो रही लगातार तेज बरसात से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में नदियों का पानी तेजी से बढ़ने लगा है जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जिले के कालीसिंध, छापी, गगरीन, शवली, कनवाड़ी समेत सभी डैम पूरी तरह से भर गए हैं। हालात ऐसे हैं कि अब खतरे को बढ़ता देख गेट खोलकर पानी की निकासी भी की जा रही है। कल कालीसिंध डैम में 14 गेट खोल दिए गए। यहां से 1,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और इस वजह से झालावाड़ से गगरौन समेत 1 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क कट गया है। अब एक तस्वीर राजस्थान के 12 जिले की भी देखिए। वहां भारी बारिश के बाद जनजीवन ठप हो गया। शाहबाद, छबड़ा, कवाई समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मानसूनी आफत टूटी है।
सैरथल में एक कार उपंती लहरों का शिकार हो गई, उसमें सवार 3 लोग बह गए, लेकिन गनीमत रही कि सभी को बचा लिया गया। सोडा गांव में 300 लोग मुसीबत में घिर गए, वहां से रेस्क्यू बोट और हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाया गया। जिले में 7 दिन से बारिश का दौर लगातार जारी है, कई गांव का संपर्क टूटा हुआ है, कुछ गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, घरों में बाढ़ का पानी भरने लगा है। चबड़ा इलाके में तो मुश्किल से बचाने के लिए एनडीआरएफ और सेना के हेलीकॉप्टर ने अभियान चलाया। उन्हीं गांव के पास नदी नालों में उफान के बाद 2 घंटे तक ट्रैफिक ठप रहा और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। झालावाड़ की तस्वीरें देखिए, वहां मूसलाधार बारिश से हालात खराब हैं। देखिए लाइन से खड़ी कारें पानी में डूब चुकी हैं। हालात ऐसे कि कार बेदम हो चुकी है, इन गाड़ियों में पानी भर चुका है, कारें जहां खड़ी हैं वहीं पर बंद पड़ी हैं। संकट की मार जैन मंदिर परिसर में भी पड़ी है। शहर के खानपुर स्थित चांदखेड़ी जैन मंदिर में गर्भगृह में भी पानी घुस आया। मंदिर परिसर में अन्य जगहों पर भी 3 फीट से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। जो श्रद्धालु मंदिर परिसर में धर्मशाला में रुके हुए हैं, उनके लिए सैलाब का संकट और गहरा गया है। इन दिनों यहाँ मुनि सुधा सागर जी महाराज का चतुर्मास चल रहा है और ऐसे में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर है, लेकिन लगातार बारिश ने इनकी मुश्किलों में इजाफा कर दिया। राजस्थान से आई आफत की एक और तस्वीर देखिए, कोटा में भी हालात खराब है। लगातार हो रही बारिश के बाद इस इलाके में जगह जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। वहाँ एक जगह पर कई लोग फंस गए, कुछ मकानों और सड़कों पर पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को छतों पर शरण लेनी पड़ रही है, कुछ इलाकों में लोग खेतों में फंस गए। गंभीर स्थिति को देखते हुए सेना और एनडीआरएफ की टीम को राहत कार्यों में लगाना पड़ा। उजाड़ नदी में आई बाढ़ की वजह से ज्यादा हालात खराब है। पूरे शहर में शुक्रवार से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राजस्थान के बूंदी में भी सैलाब का सितम टूटा है। वहां भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। वहां लहरों के साथ लापरवाही बरतना बिजली विभाग के इंजीनियर और उनके ड्राइवर को महंगा पड़ गया। दोनों बाढ़ के पानी में डूबे सड़क को पार करने लगे, उन्हें गहराई का अंदाजा नहीं था और यही लापरवाही जान पर बनाई। कार में सवार इंजीनियर और ड्राइवर जैसे ही नाले को पार करने के लिए आगे बढ़े, उनकी कार लहरों में समा गई, लेकिन गनीमत रही कि किनारे पर लोग मौजूद थे, फौरन उन्हें बचाने की कोशिश तेज कर दी गई। आपसी सहयोग की बदौलत इंजीनियर और उनके ड्राइवर की जान बचाई जा सकी, लेकिन कार देर तक पानी में डूबी रही। आखिरकार पुलिस ने जेसीबी की मदद से काफी देर के बाद उसे भी बाहर निकाल लिया। दिल्ली एनसीआर में आज कई जगहों पर बारिश हो रही है। इसकी एक तस्वीर गुरुग्राम से आई है, जहां सुबह से हो रही बारिश के बाद जनजीवन ठप हो गया। सुबह करीब 11 बजे बारिश शुरू हुई थी, कुछ जगह सड़कों पर पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई, दिन में गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। बाढ़ बारिश का कहर बिहार में भी टूटा है, वहां कई शहरों में हालात बिगड़े हैं। मुंगेर में तो चंडिका स्थान में भी पानी भर गया है। चंडिका स्थान देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ मंदिर के अंदर तक बाढ़ का पानी भर चुका है, गर्भगृह में 2.5 फीट तक पानी भरा है। इसके बाद भी वहाँ लगातार पूजा पाठ चल रहा है। 3 दिनों से गंगा के जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है, उसके साथ ही निचले इलाके और दियारा क्षेत्र के लोगों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। गंगा का जल स्तर 38.64 मीटर तक पहुँच चुका है, जबकि गंगा में खतरे का निशान 39.33 मीटर है, यानी खतरा बेहद करीब है। इसी आफत की वजह से मंदिर में भी पानी भरा है। माना जा रहा है कि जल स्तर और बढ़ा तो मंदिर के गर्भगृह को बंद कर दिया जाएगा। यूपी के कुछ इलाकों में भी स्थिति गंभीर हो चली है। हमीरपुर से आई तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हालात कैसे बिगड़ते जा रहे हैं। वहां यमुना और बेतवा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, नदियों ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि कई बस्तियां और कई गांव संकट में घिर गए हैं। बाढ़ की चपेट में आकर सैकड़ों मकान धराशाही हो गए, उनमें से कुछ पानी में डूब गए हैं। कई दर्जन गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। हाईवे को छोड़कर ज्यादातर हिस्सा समंदर में तब्दील हो चुका है। स्थिति भयावह होते ही प्रभावित इलाके के लोग सड़क के किनारे अपनी जिंदगी बचाने के लिए पहुंच गए हैं। ये लोग इन दिनों वही जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं। यूपी के बांदा में भी नदियां उफान पर हैं। यमुना नदी में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, इस वजह से सहायक नदियां केन और चंद्रावल में भी पानी अचानक बढ़ गया है। हालात गंभीर होते जा रहे हैं।
सड़क डूब गई है। 12 से ज्यादा गाँव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव ही जिंदगी का सहारा है। सबसे ज्यादा दिक्कत गर्भवती महिलाओं और मरीजों को हो रही है। नावों से किसी तरह मरीजों को एम्बुलेंस तक लाया जा रहा है। जिला प्रशासन की माने तो बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया गया है। खतरे वाले इलाकों में पुलिस तैनात कर दी गई है, लेकिन हालात हकीकत की गवाही दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन से आई ये तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के चलते सड़क पर सैलाब दिख रहा है। ये तस्वीरें कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की है, जहां पूरी सड़क पानी से भर गई। ऐसा लग रहा है कि कोई नाला हो। भारी बारिश के बाद यहां हालात गंभीर हो गए। खतरे को देखते हुए ट्रैफिक की रफ्तार तक सुस्त पड़ गई। पैदल आने जाने वालों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इन सब के बीच मौसम विभाग ने रविवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कें बंद होने से ग्रामीण परेशान है। सबसे ज्यादा कपकोट और गरुड़ में परेशानियां बढ़ी हैं। हालात ऐसे हैं कि जिला मुख्यालय से 35 गांवों का संपर्क टूट गया है। वैसे प्रशासन जेसीबी की मदद से लगातार सड़कों को दोबारा शुरू करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन मूसलाधार बारिश विलंब कर रुकावट डाल रही है। यूपी के औरैया में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ कुछ लोग इस बाढ़ में फंस गए। उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन को एसडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी। रेस्क्यू बोट की मदद से बचाव दल ने कई लोगों को मुश्किलों से बाहर निकाला, लेकिन कई गांव अभी भी संकट में घिरे हुए हैं। यूपी के फतेहपुर में यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से 20 से 25 गांवों का संपर्क टूट गया है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को कई मुश्किलों से अलग अलग मोर्चे पर जूझना पड़ रहा है। इन दिनों बाढ़ की वजह से लोगों की जीविका प्रभावित हुई है, साथ ही दवाइयों और अन्य जरूरी सामानों की किल्लत भी हो रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर है। दोनों नदियां खतरे के निशान के करीब है। इसका असर निचले इलाकों में बसे रिहायशी इलाकों में दिख रहा है। घरों की दहलीज तक पानी भर चुका है। लोगों को मार्केट या किसी अन्य जगह पर जाने के लिए बाढ़ के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। स्वागत एक बार फिर से आपका। अब आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की कुछ और तस्वीरें, जो भारी बारिश और बाढ़ से परेशान हैं। कुछ इलाकों में तो बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। आगर मालवा में बारिश की वजह से कुंडालिया बांध के 8 गेट खोले गए। इसके लिए पहले निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया, ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। गेट से पानी छोड़े जाने के बाद कई निचली बस्तियों में पानी भर गया। खतरा बेशुमार है, फिर भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। हादसे को न्योता देने वाली एक तस्वीर ग्वालियर से आई है। वहां पार्वती नदी उफान पर है। बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं, फिर भी कुछ युवक बेखौफ दिखे। उन्हें अपनी ही जिंदगी की परवाह नहीं रही। इस उफनती पार्वती नदी में भी वो छलांग लगाते रहे। अभी एक दिन पहले ही बांध से पानी छोड़ा गया। इसके लिए प्रशासन ने अलर्ट भी किया, लेकिन तमाम चेतावनी के बाद भी युवक नदी में छलांग लगाते नजर आए। झालावाड़ के अकलेरा में लोग भारी बारिश से राहत पाने के लिए पूजा पाठ करते नजर आए। वहां घर के बाहर कुछ लोगों ने बाढ़ के पानी में दीप जलाकर छोड़ा। इलाके में ऐसी मान्यता है कि बाढ़ के पानी में दीपक छोड़ा जाए तो इंद्र देवता सुन लेते हैं। पटना में गंगा नदी उफान पर है। नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गंगा के घाटों पर लगातार बढ़ते जलस्तर के संकेत मिल रहे हैं। घाटों पर स्थित मंदिर तक पानी पहुंच गया है। लोगों को पूजा पाठ करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ देर की बारिश के बाद अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भी हालात बिगड़ गए। वहां 4 लेन वाले नेशनल हाईवे पर बारिश का पानी भर गया। ड्रेनेज सिस्टम में कमी की वजह से हालात ऐसे हो गए कि लोग परेशान हो उठे।